हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे दिस कृष्णा लिपान आर्ट। सो मैंने पहले से ही कृष्णा का ड्राइंग बना के रखा है एंड अभी मैं यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल मोल्डिंग क्ले, जिसमें दो पार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पार्ट को इक्वल लेना है, इक्वल पोर्शन में, और उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने पे आपको ऐसे कुछ क्ले मिलेगी। अब मैं कोई भी आप टेलकम पाउडर यूज़ कर सकते हो। मैंने एक एक्सपायर टेलकम पाउडर ले लिया है ताकि नीचे क्ले चिपके ना। और अभी मैं उसे रोल कर रही हूँ। अगर रोल करने में आपको हाथ से दिक्कत हो रही है तो आप कोई भी हार्ड पार्ट, लाइक मेरे पास ये कोस्टर था तो मैं कोस्टर से कर रही हूँ रोल। आपके पास कोई वुडन प्लाईवुड है तो उससे भी कर सकते हो आप रोल। अब मैं ग्लू लगा के जो ये लिपा हमने जो ये क्ले है रोल की थी उसको मैं लगा रही हूँ कुछ इस तरीके से। अगर आपको ओल्ड डिज़ाइंस देखनी है लिपान आर्ट में तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी लिपान आर्ट करके। आप वहाँ पे जाके हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको बहुत सारी लिपान आर्ट की डिज़ाइंस मिल जाएंगी। और आपको इस वीडियो में या फिर कोई भी लिपान आर्ट या कोई भी वीडियो में आपको क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर से आपके कमेंट का आंसर करेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए या कौन सी लिपान आर्ट की डिज़ाइन पे आपको वर्क देखना है, ट्यूटोरियल देखना है, तो हम ज़रूर से उस पर भी ट्यूटोरियल बनाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल आने वाला है उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी हिंट मैंने ऑलरेडी पोस्ट में दे दी थी, जो है हमारी वेडिंग प्लेटर। जो वेडिंग प्लेटर है मैंने पूरी लिपान आर्ट से बनाई है, जो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी। सो आपको अगर अपडेट हमारी रेगुलर बेस पे चाहिए तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारी चैनल, सो आपको रेगुलर बेस पे हमारी अपडेट मिलती रहेगी। एक यहाँ पे मैं टिप्स देना चाहूँगी कि ये जो क्ले है वो एक साथ आप मिक्स मत कर लीजिएगा। अगर आप एक साथ मिक्स कर लेते हो उसको तो वो जल्दी से हार्ड हो जाती है, तो जितना पोर्शन आपको चाहिए उतनी क्ले आप मिक्स करते जाओ, तो आपके लिए भी इजी होगा। जब आप उसको रोल करेंगे तो वो बहुत हार्ड नहीं हो जाएगा और फटेगा नहीं। मोस्टली बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट की थी कि आपकी क्ले फटती नहीं है, हमारी क्ले क्यों फट जाती है, क्योंकि आप एक साथ उसको मिक्स कर देते हो तो वो सूखने के बाद फटती है बहुत ज़्यादा। तो ध्यान रखिए आप कि उसको बहुत ज़्यादा मिक्स मत कर दो, एक साथ क्वांटिटी में मिक्स मत कर दो, जितना चाहिए उतना आप मिक्स करते जाओ। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको मेरी जो ये टिप है वो काम आई या नहीं आई, और ये भी बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है आज का। तो इस तरीके से मैंने लोटस की डिज़ाइन बनाई है, और दूसरी साइड भी आप ऐसे ही लोटस की डिज़ाइन कंप्लीट करोगे। पूरा लिपान आर्ट कंप्लीट होने के बाद मैं इसको वाइट कलर से पूरा बेस कोट कर दूंगी। आप जैसो भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैं एक्रेलिक वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि आप कौन सा कलर यूज़ करते हो। मैं फेविक्रिल एंड कैमल दोनों का जो एक्रेलिक कलर है दोनों यूज़ करती हूँ। दोनों ही क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आपको वाइट कलर यूज़ नहीं करना है तो आप वहाँ पे जैसो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक स्काई ब्लू कलर लिया है फेविक्रिल का, एकदम लाइट बेस, एंड एक डार्क बेस लिया है, उनको मिक्स करके ये कलर बना कृष्णा के फेस के लिए। फेस होने के बाद मैंने जो कलर्स यूज़ किए हैं वो है ब्लैक कलर, क्रोम येलो कलर, देन डार्क ग्रीन कलर, क्रिम्सन रेड कलर, पिंक कलर,
ये करने के बाद मैंने पूरा उसको डेकोरेट कर दिया है मिरर वर्क से। अब बारी है डॉट करने की। सो डॉट करने के लिए डॉट मंडाला के बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं हमें बाज़ार में, बट आपके पास अगर ना, ये देखो ये है डॉट मंडाला के टूल्स, अगर आपके पास ये ना हो तो इट्स ओके, आपके पास ब्रश, ईयरबड्स या कुछ टूथपिक ऐसा होगा तो आप उसकी मदद से भी डॉट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्रश की बैक साइड यूज़ की है और कितना ब्यूटीफुल डॉट बन रहा है। डॉट करने की वजह से क्या होगा कि पूरा लिपा नाट है वो एनहांस हो गया आएगा। तो इस तरीके से मैं पूरा लिपा नाट कंप्लीट करूँगी। एंड जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज का वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक यू।